वन प्लस नॉट थ्री, हाँ गई जहाँ पे वन प्लस की तरफ, वन प्लस नॉट थ्री जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर बहुत जल्द आने वाला है, और इस पर हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि कब आ रहा है और क्या प्राइस होने वाली है और क्या इसमें होने वाला है। तो इस पूरा देखिएगा, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट गाइस। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस की तरफ से वन प्लस के नॉट थ्री के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें जो देखने मिल जाने वाली हैं स्मार्टफोन के अंदर, जो आपको नॉट टू टी में नहीं मिली और नॉट टू में नहीं मिली। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी जाएंगी वन प्लस कि पुराने मोबाइल नॉट सीरीज से इसमें नॉट थ्री में। तो बात कर लेते हैं हम नॉट थ्री के बारे में। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ही में आऊँगा, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो अगर मैं बिल्ड डिज़ाइन में आता हूँ फोन के, तो यहाँ पे बहुत सा प्रीमियम डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने मिल जाने वाला है डिज़ाइन में, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देखने मिलेगा। तो आपको इस बार डिज़ाइन के मामले में सिर्फ नॉट वन भी अच्छा था, नॉट टू भी अच्छा था, नॉट टू टी भी अच्छा था, नॉट थ्री भी अच्छा ही होने वाला है। डिस्प्ले में अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो 6.43 इंच का एक फुल एच डी डिस्प्ले मिल जाएगा और एक एमोलेड पैनल होगा। यहाँ पर आपको इस बार सेंटर पंचुअल मिल सकती है और 120 फिशिंग रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट मुझे लगा था कि भाई डिस्प्ले को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए था, डिस्प्ले का जो साइज़ है उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि उससे बेटर हो सकता था। क्योंकि व्यूइंग जो आजकल लोग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा सीरीज़ एंड ऑल दैट, कार्टून, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं यूट्यूब में कॉन्टेंट देखते हैं, तो मुझे लगता है कि डिस्प्ले अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बट नहीं किया गया, डिस्प्ले तो वही 6.4 इंच का ही है, जो मुझे थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग लगा। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को छोटे फ़ोन अच्छे लगते हैं। चिपसेट में चलिए आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो चिपसेट है वो आपको अभी कंफर्म तो इतना नहीं है, बट दो चिपसेट सामने निकल के आए हैं। एक तो भाई स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 वाला, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1, जो बहुत ज़्यादा अच्छा तगड़ा चिपसेट है, और अगर ये चिपसेट के साथ डेफिनेटली आ जाता है ना, तो भाई तगड़ी परफॉर्मेंस और एक अलग ही लेवल की बात हो जाने वाली है। एंड देन एक और जो है वो है यहाँ पर डायमेंसिटी का 8100 वाला चिपसेट, अब वो भी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाता है, बट स्नैपड्रैगन होता है, और बहुत से लोग स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक में अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे पता है ज़्यादातर लोग स्नैपड्रैगन ही में जाएंगे, तो दैट्स वाई मुझे भी लगता है स्नैपड्रैगन बेटर है। कैमराज में चलिए आ जाते हैं, तो मेन कैमरा जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ी 50 पिक्सल का कैमरा, जो सोनी कलर सेंसर होगा, देन आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, एंड आपको 2 पिक्सल का एक माइक्रो लेंस भी देखने मिल जाने वाला है। 4K आप रिकॉर्ड कर पाओगे, OIS का सपोर्ट होगा, सेल्फी में आपको 30 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से आप 1080 में वीडियो बना पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। अगर मैं बैटरी में बात कर लेता हूँ, तो गाइस यहाँ पर जो बैटरी है वो 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, प्लस टाइप सी मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है वो 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल सकती है। अब ये लीक है, इसको एकदम आप कन्फर्म मत ले लेना, बट अगर होता है ये बात तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाने वाली, बिकॉज यार 120 वोल्ट तो हमने देख लिया इंडिया में, बट मुझे लगता है और स्मार्टफोन को लेकर ही आना चाहिए, और जिस प्राइस में ये आ रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा, उस प्राइस ब्रैकेट में बहुत मज़ा आ जाने वाली है। चलिए कैमराज में तो भी बात हो गई, यहाँ पर बैटरी की बात हो गई, अब UI में बात कर लेते हैं। तो एंड्रॉइड 13 शायद आपको शायद आउट ऑफ द बॉक्स में जब तक आ जाए तो, एंड ये आपको ऑक्सीजन OS के साथ रन करने वाला है। ये है पूरा यहाँ पे वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट थ्री की स्पेसिफिकेशन। डेफिनेटली आप लोग स्पेसिफिकेशन सुन के बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हो गए होंगे स्मार्टफोन के लिए, कब आएगा। तो बात कर लेते हैं उस बारे में भी, उससे पहले मैं प्राइस में आ लूँगा। तो प्राइस जो इस फोन का कहा जाए इंडियन मार्केट में, वो अराउंड होने वाला है 30,000 से अबव, क्योंकि आप लोग याद है वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट वन, नॉट टू, नॉट टू टी, ये तीनों के जो बेस वेरियंट है ना वो 30,000 रुपये के नीचे आते हैं, बट नॉट थ्री जो होने वाला है ना वो 30,000 रुपये के ऊपर, इसका बेसमेंट भी जो स्टार्ट होगा ना वो 30,000 रुपये के ऊपर ही होने वाला है। तो अगर आप लोग लेने वाले हो ना स्मार्टफोन को, तो याद रखना इस बार आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं, और ये बात है। तो बताना कमेंट कर लेने वाले नहीं लेने वाले, और बात कर लेते कब आएगा, तो एकदम देखिए लास्ट में बात कर रहे हैं एकदम। तो बता देता हूँ कि ये फ़ोन जो है वो आप लोगों को अक्टूबर के मंथ में देखने मिल सकता है, सितंबर के एंड या तो अक्टूबर में आ सकता है एंड के अंदर, क्योंकि आप लोगों को बताया अभी जुलाई, मतलब ये जो महीना चल रहा है 1 जुलाई को नॉट टू टी आया एंडिया के अंदर, तो इतनी जल्दी तो यहाँ पर ये नॉट थ्री नहीं लेके आने वाले हैं, अभी इसकी सेल होगी, देन नॉट थ्री आने में थोड़ा वक्त है। तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हो तो भाई यही है, और हम कोशिश करेंगे कि अपडेट आपको देते रहें, आप लोग इस तरह इंटरेस्ट दिखाते रहो। हमने पिछले वाले वीडियो में नॉट थ्री के आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, ऐसे ही वीडियो में सपोर्ट देते रहो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अपडेट वाली वीडियो बनाते रहें। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, हम कोशिश करते हैं आप लोग की डेली वीडियो बनाने के लिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।